तो ये है एचडीएफसी बैंक का रिगालिया क्रेडिट कार्ड। इससे पहले मैंने इसकी अनबॉक्सिंग आप सभी को दिखाई थी, उस वीडियो में आप सभी के बहुत सारे कमेंट आए थे क्योंकि भाई एचडीएफसी बैंक ने जो कार्ड मुझे दिया है, मैंने ऑनलाइन अप्लाई करके बनाया था, 15 दिन के अंदर मुझे कार्ड मिल गया था। और मजे की बात यह है कि 5 लाख रुपए से ज्यादा की जो है लिमिट बैंक ने मुझे ऑफर की है। तो उस वीडियो में आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि कैसे आपने इसके लिए अप्लाई किया था, कैसे मैं भी बनवा सकता हूँ। तो इस वीडियो में आप सभी को इंटायर प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे मैंने इस कार्ड के लिए अप्लाई किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आप सभी को एचडीएफसी बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पे आ जाना है। इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। अब यहाँ पर आप होम पेज पर आओगे तो कुछ पेज का जो इंटरफेस है ऐसा आपको शो होगा। अगर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर जो है एक सेक्शन दिया गया जिसमें की कार्ड का जो ऑप्शन है इसे आपको सेलेक्ट करना है। देन आप सभी को क्रेडिट कार्ड का जो ऑप्शन है यहाँ पर दिखाई देगा और यहाँ पर आपको चेक ऑफर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक किया है तो हमारे सामने सबसे पहले तो मोबाइल नंबर को फिल करने का जो पेज है वो आ जाता है। मोबाइल नंबर फिल करेंगे, जो भी हमारे पैन कार्ड पर डेटा पर दर्ज है उसे हमें यहाँ पर फिल करना है। देन हम गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे मोबाइल फोन पर बैंक की तरफ से एक ओटीपी को सेंड किया जाएगा जो कि हमें इस बॉक्स में फिल करना है। इसके बाद में व्यू द बेस्ट कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में आप सभी के कुछ पर्सनल डिटेल्स आप सभी से मांगी जाएंगे जिसमें कि आप सभी को अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, कुछ इस तरीके से जैसे मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ ऐसे ही आपको फिल करना है। मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो आपको सेलेक्ट करना है। अपना पैन नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है जो कि जरूरी है वीडियो केवाईसी के लिए। यहाँ पर रिपीट पैन नंबर आपको फिल कर देना है। इसके बाद में पर्सनल ईमेल एड्रेस के सेक्शन में आना है, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी यानी कि जीमेल आईडी को फिल कर देना है और सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप के सेक्शन में सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर कोई जॉब करते हैं, सैलरीड पर्सन है या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, जिस तरीके का भी आपका ऑक्यूपेशन है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने सैलरीड का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो हमें यहाँ पर अपने कंपनी का जो नेम है वो फिल करने की जरूरत होगी। जो भी हमारा करेंट जनरेशन है उसे हमें यहाँ पर फिल करना है। हमारी वर्क की कोई भी ईमेल आईडी है तो उसे यहाँ पर हमें फिल करना होगा। उसके बाद में आप सभी को करेंट मेलिंग एड्रेस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को एड्रेस को ऑटोमेटिक भी फेच करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप देखोगे कि Equifix करके एक कंपनी है जिसमें कि गवर्नमेंट साइट्स पर जहां पर भी आपने जो भी एड्रेस को फिल किया होगा वो एड्रेस आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर शो हो जाएगा। आप यहाँ से डायरेक्टली एड्रेस को पिक कर सकते हो जो भी बैंक को आप कम्युनिकेशन के लिए देने वाले हो। या फिर यहाँ पर मैनुअल इंटर का भी ऑप्शन दिया गया है जिसमें कि आप अपना जो कम्युनिकेशन का एड्रेस है वो यहाँ पर मैनुअली भी इंटर कर सकते हो। जैसे कि मैनुअल के ऑप्शन पे क्लिक किया तो एड्रेस लाइन फर्स्ट, एड्रेस लाइन सेकंड, थर्ड, कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाते हैं। इसके बाद में आप सभी को अपनी जो सिटी है वो सेलेक्ट करना है। रेसिडेंस टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको बताना है कि आपका जो घर है वो रेंटेड है या फिर आपका खुद का है या पेरेंट का है, जिस भी टाइप की ओनरशिप है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर परमानेंट एड्रेस भी हमसे फिल करने के लिए बोला जाता है जिसमें कि अगर आपने ऊपर जो एड्रेस फिल किया है उसके अलावा भी आपको कोई भी परमानेंट एड्रेस है, सपोज जैसे कि आप किसी काम के सिलसिले में किसी दूसरी जगह पर रह रहे हो और आपको परमानेंट एड्रेस कोई भी दूसरा है तो वो भी बैंक को आप बता सकते हो, जिसमें कि आप यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एड्रेस को एंटर करने का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। अगर दोनों ही एड्रेस आपके सेम ही है, मोस्टली लोगों के जो एड्रेस है वो सेम ही होते हैं, तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे यस ही क्लिक रहने दोगे तो आपको अलग से कोई भी एडिशनल एड्रेस को एंटर करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद में चेक बेस्ट ऑफर्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने इतना किया है तो हमारे सामने आप देखोगे कि क्रेडिट कार्ड जो हमें बैंक ऑफर कर रहा है वो शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो क्रेडिट कार्ड्स मुझे दिखाए गए हैं इनके हम बेनिफिट्स को देख सकते हैं। 3 टाइप के बेसिकली कार्ड यहाँ पर आए हैं, इनमें से जो भी कार्ड हम चाहें उसे हम बनवा सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो कार्ड्स आप सभी को रिफ्लेक्ट होते हैं वो आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से सो होते हैं। जिस भी तरीके की आपकी इनकम होगी उसके हिसाब से ही आप सभी को कार्ड ऑफर किए जाते हैं, जिसमें कि इन फ्यूचर ये जो कार्ड आपको ऑफर किए गए इससे बेटर भी कार्ड दिए जा सकते हैं। जैसे जैसे आप अपना स्पेंडिंग इसके जरिए करना स्टार्ट करोगे आपका जो सिविल स्कोर है अच्छा होगा, उसके बाद में आप सभी को इससे अच्छे भी कार्ड मिल सकते हैं। तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक बेसिकली हमें 3 तरीके कार्ड ऑफर कर रहा है, जिसमें कि पहला कार्ड है इंडियन ऑयल का, इसी के साथ में दूसरा है फ्रीडम और तीसरा है टाटा नियो प्लस, जो कि रुपे क्रेडिट कार्ड है जो कि आज की डेट में अगर आप यूपीआई ट्रांजेक्शन में भी चाहो तो इंटीग्रेट कर सकते हो। इसके जरिए क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हो। अब तीनों कार्ड के अलग अलग बेनिफिट हैं, जिस भी टाइप का आपका यूजर्स है उसके हिसाब से ही आपको कार्ड को चूज करना है। अगर आप फ्यूल को ज्यादा अपने बाइक या फिर कार में डलाते हो तो यहाँ पर उसमें आप सेविंग कर सकते हो इंडियन ऑयल का जो कार्ड है उसको बनवा करके। आप देखोगे कि हर साल आप सभी को इंडियन ऑयल की तरफ से 50 लीटर फ्यूल फ्री में मिलने वाला है।
अगर आप ये कार्ड बनवाते हो। अब ये डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा, इनडायरेक्टली इसको आप रिडीम कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। और भी कई सारे जैसे रिटेल स्टोर हैं, ग्रोसरी की, यूटिलिटी के, कोई भी बिल का आप पेमेंट करते हो तो यहाँ पर 5% आप सभी को रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और यहाँ पर 150 रुपये से ऊपर का कोई भी फ्यूल अपने बाइक या कार में आप डलाओगे इंडियन ऑयल पर, तो आप देखोगे कि एक फ्यूल पॉइंट आपको मिलेगा जो कि आप बाद में उस रिडीम कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो तीनों कार्ड हैं इन पे आप सभी को अलग अलग टाइप के बेनिफिट मिलने वाले हैं। अगर आप तीनों ही कार्ड के बेनिफिट को देखना चाहते हो, कंपेयर करना चाहते हो किसमें ज़्यादा बेनिफिट है, तो यहाँ पर कंपेयर कार्ड का जो है ऑप्शन दिया गया है, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने कार्ड के जो तीनों कार्ड हैं वो शो हो जाते हैं, जिन पे अलग अलग आप सभी को बेनिफिट दिखाए गए हैं किस कार्ड पे क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, जिसमें कि किस पे आप सभी को रिवार्ड पॉइंट ज़्यादा मिलने वाले हैं। देखोगे कि यहाँ पर जो फ्रीडम कार्ड है उस पर 10x रिवार्ड पॉइंट मिलने वाले हैं, न्यू कार्ड पर 7% के आप सभी को न्यू कॉइन्स मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर कितना आप स्पेंडिंग करोगे, कितने रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे, इसमें भी आपको बताया गया है। जैसे कि एक फ्यूल पॉइंट 150 रुपीज की जो है शॉपिंग पे मिलेगा, एक कैश पॉइंट फ्रीडम में आप देखोगे कि 150 रुपीज से ऊपर की जो भी शॉपिंग है वो आपको इस पे मिलने वाला है। यहाँ पर वेलकम बेनिफिट भी आप देखोगे कि फ्रीडम और टाटा नियो जो कार्ड है उस पे आपको मिलने वाला है। फ्यूल सरचार्ज तीनों पर कार्ड पर ही वेबअप हो जाएगा। ईयरली कार्ड की जो मेंबरशिप फीस है, जैसे कि आप सभी को पता है कि क्रेडिट कार्ड जो भी आप किसी भी बैंक का लेते हो तो उसको आप सभी को हर साल एनुअल रिन्यूअल फीस देनी होती है, तो वो जो फीस है आप देखोगे कि यहाँ पर स्पेंडिंग बताई गई है। जैसे कि जो कार्ड पहला है इंडियन ऑयल का, तो 50,000 रुपये से जो भी आप शॉपिंग ज़्यादा करोगे इस कार्ड से, एनुअल आप स्पेंडिंग अगर आप एक साल के अंदर कर देते हो, तो यहाँ पर आप सभी को ये जो 500 रुपीज का जो रिन्यूअल चार्जेस देना है ये आपको देने की ज़रूरत नहीं होगी, बेवाप हो जाएगा। फ्रीडम कार्ड में भी सेम ही ऐसा ही है। इसी के साथ में जो न्यू रुपे कार्ड है इसमें आप देखोगे कि इस कार्ड को 1,00,000 रुपये तक की जो स्पेंडिंग है वो अगर आप करोगे तो यहाँ पर 499 रुपीज का जो चार्ज लगेगा आपको एनुअली, ये बेवाप हो जाएगा, यहाँ पर इसको आपको देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से आप तीनों ही कार्ड के जो बेनिफिट है उनको कंपेयर करके देख सकते हो। बाकी यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखोगे तो अभी HDFC बैंक का एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें कि इस कार्ड को अगर हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ज्वाइनिंग फीस जो 500 रुपीज हमें दिखाई जा रही थी वो भी वेव ऑफ हो जाएगी। यहाँ पर हमें अप्लाई करने के लिए कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं, हम फ्री में ही ये जो कार्ड है वो पा सकेंगे। तो यहाँ पर हम टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन गेट दिस कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे मैंने इतना किया है तो जैसे कि मैंने सैलरीड इनकम वहां पर दिखाई थी, तो हमें यहाँ पर अपना जो ऑक्यूपेशन है जैसे कि ऑफिस एड्रेस एंटर करने की जरूरत होगी, तो हम अपने ऑफिस का जो भी एड्रेस है यहाँ पर फिल कर लेंगे। इसके बाद में इनकम डिटेल्स के सेक्शन में आना है, तो यहाँ पर आप सभी को अपनी जो भी मंथली इनकम है वो यहाँ पर बताना है विदाउट एनी डिडक्शन, यानी कि टोटल आप सभी को इनकम यहाँ पर बतानी होगी। अब यहाँ पर CKYC का एक सेक्शन देखने को मिलता है, जिसमें कि आप सभी को ये जो है ऑनलाइन ही KYC करनी होगी। CKYC का एक नया ही कॉन्सेप्ट आया है, मोस्टली लोगों का जो KYC पहले से नहीं हो रखा होगा, इसके लिए आप सभी को यहाँ पर नो का जो ऑप्शन है उसी पे क्लिक करना है। अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको यहाँ पर फिल करना है, देन आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अगला जो पेज आता है जिसमें कि आप देखोगे कि आधार बेस्ड eKYC हम वीडियो KYC के माध्यम से अपना जो कार्ड है वो ऑनलाइन प्रोसेस से बना सकते हैं, इसके लिए हमें ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं होगी। इसी के साथ में यहाँ पर आप देखोगे कि वीडियो KYC अगर आप नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई कोई बंदा हमारे घर के पते पर आए और बैंक की तरफ से वो वेरिफिकेशन करके अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके लेके जाए, तो वो भी फैसिलिटी आप ले सकते हो, जिसमें कि आधार के ऑथेंटिकेशन के थ्रू, जैसे कि OTP भी रिसीव नहीं होगा, वो बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो कर सकेगा। और तीसरा ऑप्शन है जिसमें कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करके कर सकते हो KYC। तो बेसिकली पहला ही ऑप्शन सबसे बेस्ट है, इसी के माध्यम से मैंने भी KYC अपनी कंप्लीट की थी, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी जो लैंग्वेज है उसको सेलेक्ट करेंगे, जिस भी भाषा में हम अपनी KYC कराना चाहते हैं आई एग्री करेंगे, देन प्रोसीड टू eKYC के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपना जो आधार नंबर है 12 डिजिट का उसको फिल करने की जरूरत होगी और इसके बाद में हम गेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। अब हमारे फोन पर जो OTP आएगा उसको हमें यहाँ पर फिल करना है, देन वेरीफाई eKYC के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमारे आधार कार्ड पर जो भी डेटा मौजूद है वो डेटा यहाँ पर HDFC बैंक अपने पोर्टल पर फेच करेगा और फ्यू सेकंड के बाद में आप देखोगे कि हमारा जो डेटा है फेच होकर के आ चुका है। यहाँ पर ये जो एड्रेस है मेलिंग के लिए हम यूज करने वाले हैं, यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को हमें भी रीड कर लेना है, देन सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारा जो क्रेडिट कार्ड है इसको अप्लाई करने की जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। हमारे सामने एक ARN नंबर भी जनरेट होकर के आया है। अब यहाँ पर ये जो कार्ड है
पूरी तरीके से हमने इसकी जो प्रक्रिया है ऑनलाइन कंप्लीट कर ली है, लेकिन वीडियो केवाईसी भी हमें इसकी करनी होगी ऑनलाइन प्रोसेस से। तो यहाँ पर आप देखोगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर इस क्रेडिट कार्ड के लिए हमें वीडियो केवाईसी करनी होगी, जिसमें कि यहाँ पर आपको बताया गया कि आपका ओरिजिनल पैन और आधार आपके पास में उस दौरान होना चाहिए। इसी के साथ में एक ब्लैक पेन होना चाहिए, एक व्हाइट पेपर पर आपको सिग्नेचर करके दिखाने होंगे। यहाँ पर जो है वीडियो केवाईसी करने के लिए नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर स्टार्ट वीडियो केवाईसी का ऑप्शन दिया गया है, जिस पे आप क्लिक करके अपनी जो केवाईसी है वो कर सकते हो। अब यहाँ पर ये जो लिंक है, जैसे कि हम देखोगे सिस्टम से अप्लाई कर रहे थे, कंप्यूटर से कर रहे थे, जिसमें कि आगे का जो प्रोसेस है हमारे कंप्यूटर पर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें हमारे कंप्यूटर में कैमरा नहीं है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, ये जो लिंक है देखोगे बताया भी गया है कि हमारे मोबाइल फोन पर ईमेल और एसएमएस के माध्यम से भेजा गया है। तो चलिए अपने ईमेल बॉक्स पे हम आते हैं और एचडीएफसी बैंक की तरफ से ये जो मेल है मुझे रिसीव्ड हुआ है। तो इसमें आप देखोगे कि स्टार्ट वीडियो केवाईसी का जो ऑप्शन है वो दिया गया है, हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। माइक और कैमरे की जो परमिशन है वो अलाउ करने के लिए आएंगे, जिसमें कि सारे ही परमिशन में हमें अलाउ ही करना होगा। इसके बाद में आप देखोगे कि आपकी जो कॉल है वो बैंक एजेंट के साथ में कनेक्ट हो जाएगी, और इस तरीके से बैंक के जो कर्मी हैं उनके साथ में आपको कम्युनिकेट करना है, उनसे बातचीत करना है, जो भी वो क्वेश्चन पूछते हैं। आप सभी को बेसिकली अपना पैन आधार भी दिखाना होगा, सिग्नेचर करके दिखाना होगा, उसके बाद में आप सभी की जो वीडियो केवाईसी है वो कम्प्लीट हो जाती है। इस तरीके से वीडियो केवाईसी करने के बाद में आप सभी का जो एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड है वो ऑनलाइन ही अप्लाई होकर के बन जाता है। आप सभी को बैंकों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होती है। आप सभी को पोस्ट के माध्यम से आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो घर के पते पर 7 डेज के अंदर ही भेज दिया जाता है, जिसका आप सभी को एसएमएस के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाता है। आप उसको ऑनलाइन ही ट्रैक भी कर सकते हो। अब यहाँ पर एचडीएफसी बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है, जब भी हम अप्लाई करते हैं तो जिसमें हमें जो लिमिट मैंने आपको बताया था कि 5 लाख रुपए से ज्यादा की जो लिमिट हमें दी गई है, तो यहाँ पर लिमिट आप सभी की जितनी भी बैंक सेट करता है वो अपने अकॉर्डिंग ही सेट करता है। यहाँ पर आप सभी को कार्ड की जो लिमिट है वो देखने को नहीं मिलती है। आपका जो भी फाइनेंशियल कंडीशन होगी उसके हिसाब से बैंक आप सभी को क्रेडिट कार्ड को ऑफर करता है, जिसमें कि अगर आप किसी भी अन्य बैंक का पहले से कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो आपको अच्छे अमाउंट का जो है क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, क्योंकि उनके पास में एक डेटा मिल जाता है कि कोई भी बैंक इससे पहले अच्छी लिमिट का जो क्रेडिट कार्ड है वो दे रखी है। और अगर आपको लिमिट शुरुआत में कम मिलती है तो इसको लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। 50,000 से 1 लाख रुपए तो लिमिट वैसे भी बैंक दे देता है, और जैसे जैसे उसका टाइमली आप बिल का पेमेंट करोगे तो आपके क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो इनहेंस हो जाती है और भी आगे बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आप सभी लोग अपना जो क्रेडिट कार्ड है उसको ऑनलाइन प्रोसेस बना सकते हो। आशा करता हूं आज की वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया इसे लाइक करिएगा, अपने और भी फ्रेंड और फैमिली में शेयर करिएगा। इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।